Hello student, this is your English class. Today we read lesson number 6. The chapter name is Barb's journey to sea. Means Barb, देखिएगा अब यहाँ पे Barb है कौन, उसकी यात्रा है कहाँ तक, समुद्र तक की. अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं. Once upon a time, a barb frog lived in a well. एक समय की बात है, एक barb नाम का मेंढक था, वो कहाँ रहता था? Well means कुएं में रहता था. He was a small frog. वो कैसा frog था? वह छोटा frog था, वो छोटा मेंढक था. He had some friends there. उसके कुछ मित्र थे जो वहाँ रहते थे. He used to jump from one corner to another. वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदता था, ठीक है, कूदने के लिए उसका प्रयोग करता था. He also swam in the well water. और वो जो कुएं का पानी था उसमें तैरता भी था. Barb frog had not seen the world outside the well. Barb frog मतलब Barb जो मेंढक था वो उस कुएं के बाहर की दुनिया को मतलब नहीं देखा था, ठीक है. His world was small. मतलब उसकी जो दुनिया थी वो बहुत ही छोटी थी. The sea was not very far from the well. मतलब जो समुद्र था वो उस कुएं से ज़्यादा दूरी पे नहीं था. One day a big frog of the sea came there. Means एक दिन की बात है, उस समुद्र से एक बड़ा मेंढक जो है वो उस कुएं के पास आ गया. It sat on the parapet of the well. और वो उस कुएं के मुंडेर पर बैठ गया. Barb frog was afraid to see this big frog. Means जो Barb नाम का मेंढक था वो उस बड़े मेंढक को देखकर भयभीत हो गया, डर गया. He said to the big frog, उसने बड़े मेंढक से कहा, Who are you? तुम कौन हो? From where did you come? तुम कहाँ से आए हो? The big frog replied, तब बड़े मेंढक ने उत्तर दिया, I have come from the sea. मैं कहाँ से आया हूँ? मैं समुद्र से आया हूँ, ठीक है. अब ये वन स्टेंजा जो है, वन पैराग्राफ, आप अच्छे से इसकी इंग्लिश रीडिंग करोगे और जो भी मैंने आपको हिंदी प्रोनाउंसिएशन बताया, उसकी मीनिंग बताया, आप उसे पढ़ोगे, ठीक है. आप इसके लिए अपने मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हो. थैंक यू.